How are you? I hope you all are fine. You know very well that we have already started a lesson introducing Western sociologists. And today we are going to read about the first Western sociologist, that is Karl Marx. So let me read about the biography of Karl Marx first. Karl Marx was born on 5 May 1818 in Trier, part of the Rhineland province of Prussia in Germany. Son of a prosperous liberal lawyer. ठीक है, उसके फादर जो थे कि वो एक लॉयर थे. 1834 to 1836 studied law at the University of Bonn and then at the University of Berlin, where he was much influenced by the young Hegelians. ठीक है, Hegelians are the young people who believe in idealism, or you can say rationalism. Okay, 1841 completed his doctoral thesis in philosophy from the University of Jena. 1843 married Jenny von Westphalen and moved to Paris. 1844 met Friedrich Engels in Paris, who became a lifelong friend. ठीक है, उनसे मिले थे ये. 1847 invited by the International Working Men's Association to prepare a document spelling out its aims and objectives. मतलब कि उनको invite किया गया था International Working Men's Association के द्वारा, ताकि वो कुछ documents prepare करें. ठीक है, aims और objectives को लेके. This was written jointly by Marx and Engels, which published as the manifesto of the Communist Party. ठीक है, clear? Communist Party का manifesto बना हुआ. 1849 exiled to England and lived there till his death. England में उसको जेल हो गई, वहाँ पे England में चले गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे death तक रहे थे. 18th premier of Louis Bonaparte. 1859 a contribution to the critique of political economy. 1867 Captain Von I published volume 1. It means volume 1 उनकी कोई बुक है. ठीक है, ये पब्लिश हुई थी, ये सारी बुक्स हैं जो पब्लिश हुई हैं उनकी. 1881 डेथ ऑफ जेनी वॉन वेस्टफालन. 1883 मार्क्स डाइज एंड इज बरीड इन लंदन हाई गेट सिमेट्री, वहाँ पे उनको. ठीक है, नाउ दिस इज द मेन पार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. कार्ल मार्क्स वॉज फ्रॉम जर्मनी बट स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज इंटेलेक्चुअली प्रोडक्टिव ईयर्स इन एक्साइल इन ब्रिटेन. ठीक है, ठीक है. तो मतलब कि जब जर्मनी को लीव करके ब्रिटेन में रहने लगे थे, वहाँ पे उन्होंने सबसे अच्छे टाइम प्रोडक्टिव ईयर्स, इंटेलेक्चुअली प्रोडक्टिव ईयर्स वहाँ पे स्पेंड किए थे. हिज रेडिकल पॉलिटिकल व्यूज लेड हिम टू बी एक्साइल्ड फ्रॉम जर्मनी. एक्साइल्ड मीन्स बाहर निकाल देना, क्योंकि वो जर्मनी में रहते थे, तो उनके जो व्यूज़ थे वो रेडिकल व्यूज़ थे. ठीक है, रेडिकल व्यूज़ के मीन्स थोड़े से आक्रामक, जो कि चेंजेस चाहते हैं. ठीक है, जो पॉलिटिकल जो वहाँ पे पार्टीज थी या जो वहाँ के हालात थे, उनमें चेंजेस लाना चाहते थे. इस तरीके के उनके विचार थे, तो इसके कारण उनको जर्मनी से निकाल दिया गया. फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया, पहले जर्मनी से, फिर फ्रांस से, फिर ऑस्ट्रिया से. दो मैक्स हैड स्टडीड फिलोसफी, ही वॉज नॉट अ फिलोसफर. ही वॉज अ सोशल थिंकर हु एडवोकेटेड एन एंड टू ऑपरेशन एंड एक्सप्लोइटेशन. ठीक है, ऑपरेशन एंड एक्सप्लोइटेशन का मतलब क्या होता है? जो दूसरों के प्रति दमनकारी नीति है उसका दूर करना. ठीक है, जो दूसरों का दमन करते हैं, यानी एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको दूसरों के ऊपर रूल करते हैं. ठीक है, दूसरों को दबाते हैं. ठीक है, दैट इज़ ऑपरेशन एक्सप्लॉइटेशन. उनको दूर करना चाहते थे, ऐसी उनकी सोच थी. ओके, ही बिलीव दैट सम साइंटिफिक सोशलिज्म वुड अचीव दिस गोल. तो उन्होंने कहा कि साइंटिफिक सोशलिज्म है, यानी साइंटिफिक थिंकिंग जो है वही इस गोल को अचीव कर सकती है. समाज में साइंटिफिक सोच आनी चाहिए. टू दैट एंड ही एंगेज्ड इन अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी. देखो, कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या है, कि जिसमें सोसाइटी कुछ
गिने चुने रिच पर्सन्स के हाथों में होती हैं। ठीक है, पूरा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सारा कुछ जो है वो स्टेट के हाथ में ना होने के वजह, स्टेट के हाथों में ना होने के वजह कुछ प्राइवेट जो रिच पर्सन्स हैं उनके हाथ में हो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने उनके बारे में ध्यान से पढ़ा, टू एक्सपोज इट्स वीकनेस एंड ब्रिंक अबाउट इट्स डाउनफॉल। ठीक है, उनके बारे में उन्होंने स्टडी की प्रॉपर ताकि वो उनकी वीकनेस को देख सके और उनका डाउनफॉल ला सके। ठीक है, किनका? कैपिटलिस्ट का। मार्क्स आर्ग्यूड दैट ह्यूमन सोसाइटी हैड प्रोग्रेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, दीज वर प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। देन प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्या होता है कि ऐसी कम्युनिटी जिसमें जो पावर है वो सभी लोगों के हाथ में होंगे, इट मीन्स जो कम्युनिटी है वो प्रॉपर ग्रुप्स में प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब से जीते थे सारे। फिर स्लेवरी आई, स्लेवरी में गुलामी का दौर चला। फिर फ्यूडलिज्म हो गया, फ्यूडलिज्म में जो पावर है कुछ लोगों के हाथ में सीमित रह गई, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में। एंड कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म में क्या हो गया जिसमें कुछ गिने चुने रिच पर्सन्स ओनली, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनके हाथों में सारी की सारी पावर होना। ठीक है, कैपिटलिज्म वॉज द लेटेस्ट फेज ऑफ ह्यूमन एडवांसमेंट बट मार्क्स बिलीव दैट इट वुड गिव वे टू सोशलिज्म। कैपिटलिज्म जो है वो सबसे लेटेस्ट एडवांसमेंट है ह्यूमन बींग के स्टेज का, लेकिन इससे किसका बर्थ होगा? सोशलिज्म का। ठीक है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी वॉज मार्क्ड बाई एन एवर इन्वेस्टिफाइंग प्रोसेस ऑफ अलाइनेशन ऑपरेटिंग एट सेवरल लेवल्स। फर्स्ट, मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज वन वेयर ह्यूमंस आर मोर अलाइनेटेड फ्रॉम नेचर। अलाइनेशन होता है दूर जाना। ठीक है, क्लियर। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या है? वॉज मार्क्ड बाई एन एवर इंटेंसिफाइंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रोसेस ऑफ अलाइनेशन यानी दूर हो जाना, ऑपरेटिंग ऑफ सेवरल लेवल्स मीन कुछ लेवल पे लोगों का, जैसे लोगों का एक दूसरे से दूर चले जाना। ठीक है, तो ऐसे इस चीज़ को शो करता है अलाइनेशन, मैंने दूर चले जाना। किन किन चीज़ों से क्या क्या दूर हुआ है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कि मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज़ वन वेयर ह्यूमंस आर मोर अलाइनेटेड फ्रॉम द नेचर देन एवर बिफोर। पहली, इसमें पहला क्या है कि इंसान जो है मॉडर्न सोसाइटी में जो कैपिटलिस्ट है उसमें जो इंसान है वो नेचर से दूर चला गया। ठीक है, सेकेंड इज इन विच ह्यूमन बींग्स आर अलाइनेटेड फ्रॉम ईच अदर एज कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलाइज प्रीवियसली कलेक्टिव फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड एज अ रिलेशनशिप्स गेट मोर एंड मोर मार्केट मीडिएटेड। सेकेंड क्या है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एक दूसरे से आर अलाइनेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर हो गए, क्योंकि जब कैपिटलिज्म आई तो सभी जो हैं लोग अपने लिए सोचना शुरू कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना अपने लिए। ठीक है, क्योंकि सबकी जो थिंकिंग है और रिलेशनशिप है वो किससे ओरिएंटेड हो गया? मार्केट ओरिएंटेड हो गया। ठीक है, ज़्यादा पैसा कमाना, क्योंकि ताकि लोग क्या चाहते थे, मैं ज़्यादा अमीर हो जाऊँ ताकि सारी की सारी पावर मेरे हाथ में आ जाए। ठीक है, थर्ड, द लार्ज मास ऑफ वर्किंग पीपल इज अलिएटेड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ इट्स लेबर्स बिकॉज वर्कर्स डू नॉट ऑन द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। मोर ओवर वर्कर्स हैव नो कंट्रोल ओवर द वर्क प्रोसेस इट्सेल्फ अनलाइक इन द डेज वेन स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कंट्रोल देयर लेबर। टुडे द कंटेंट ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स वर्किंग इज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट finally as the combined result of all these alienations human beings are also alienated from themselves। okay, पहले देखिए यहाँ से क्या बताया इन्होंने कि जो थर्ड नंबर पे क्या बताया है कि जो वर्किंग क्लास है यानी जैसे लेबर, वर्किंग क्लास जो है वो किनसे दूर हो गए? दे आर अवे फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ लेबर।
जो लोग हैं उनको फ्रूट्स ऑफ लेबर का मतलब है अपने काम का फायदा, ठीक है, उनको अपने काम का किसी तरीके का फायदा नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि अब जो वर्किंग पीपल जो वो काम करते थे, ठीक है, उनको अपने के अपना प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट उनको खुद को नहीं मिलते थे, ठीक है, दे डू नॉट ओन द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस, क्योंकि अब वो लार्ज फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, ठीक है, और कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, उनके लिए काम कर रहे थे, तो जो भी प्रोड्यूस होता था सारा उनको मिलता था, उनका कंट्रोल होता था सारा का सारा, ठीक है, और मोर ओवर उनका अपने काम के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था, अपने वर्क के ऊपर कोई भी किसी तरीके का कंट्रोल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि पहले तो क्या था कि वो अपने हिसाब से जिस तरीके से, क्योंकि वो स्किल्ड पर्सन थे, उनको पता था कि कोई चीज़ कैसे बनानी है, तो वो सारे की सारी चीज़ें जो बनाते थे वो अपने हिसाब से बनाते थे, लेकिन अब उनके ऊपर किनका जोर होता है? मैनेजमेंट का जोर होता है, और मैनेजमेंट जैसा कहती है उनको वैसा ही बनाना पड़ता है। तो इसीलिए ये बताया गया कि जो वर्किंग क्लास है उनका अपने लेबर का कोई भी पूरा फायदा नहीं मिलता था, ठीक है। फाइनली एज द कम्बाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल दीज एलाइनेशन ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एलिनेटेड फ्रॉम नेचर, वो अपने आप से दूर होने लगे ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एंड स्ट्रगल टू मेक देयर लाइफ मीनिंगफुल इन अ सिस्टम वेयर दे आर बोथ मोर फ्री बट आर ऑल्सो एलिनेटेड एंड लेस इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ दैन बिफोर। पहले वो अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखते थे, कितना मतलब कि ज़रूरत के हिसाब से कमाते थे, ठीक है, क्योंकि अपनी लाइफ जैसे जी रहे हैं वैसे प्रॉपर तरीके से जी रहे थे, लेकिन जब कैपिटलिज्म आ गया तो हर एक का मन हुआ कि वो भी इस लाइन में शामिल हो जाएं, उनको अच्छे से मिले पैसा वगैरह, तो इसीलिए वो अपने आप से ही दूर हो गए, अपनी लाइफ को अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि वो अपने बारे में सोचना ही बंद कर दिया उन्होंने, ठीक है, इस तरीके से वो अपने आप से ही दूर हो गए। ओके, However, even though it was an exploitative and oppressive system, Marx believed that capitalism was nevertheless a necessary and progressive stage of human history. Okay, तो उन्होंने कहा चाहे ये एक एक्सप्लोइटिव एंड ऑपरेसिव सिस्टम है, मार्क्स का मानना था कि जो कैपिटलिज्म है वो ज़रूरी नहीं है प्रोग्रेस के लिए। सॉरी स्टूडेंट्स, नेवरदलेस का मीन्स होता है फिर भी, तो उसने क्या कहा कि चाहे वो एक ऑपरेसिव सिस्टम था, लेकिन मार्क्स का क्या मानना था कि जो कैपिटलिज्म है वो एक नेसेसरी चीज़ है और प्रोग्रेसिव स्टेज है ह्यूमन हिस्ट्री के लिए, यानी कि ह्यूमंस ने अगर प्रोग्रेस करना है तो उसके ये बेस जो है वो कैपिटलिज्म है। क्यों? क्योंकि इसने क्या क्रिएट किया, क्रिएटेड द प्री कंडीशंस फॉर एन एग्लिटेरियन, एग्लिटेरियन मीन समान अधिकार, ठीक है, यानी समानता, ठीक है, इस समानता की नींव रखी, ठीक है, शुरू की कंडीशंस को क्रिएट किया जिससे कि लोग इस चीज़ समझ सके कि हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, फ्यूचर फ्री फ्रॉम बोथ एक्सप्लोटेशन एंड पॉवर्टी, जो कि ऐसा फ्यूचर जो कि एक्सप्लोटेशन और पॉवर्टी से फ्री हो, ठीक है, ऐसी कंडीशंस उसने पैदा की जिसमें कि लोग आगे जाके इन चीज़ों को समझ पाए, ठीक है, इसीलिए उसने कहा कि जैसे हम कहते हैं ना कि अगर अगर अंग्रेज आए, उन्होंने मतलब कि उन्होंने एजुकेशन दी, हम कहते हैं कि अंग्रेजी यहाँ पे आई, तो अगर हमारे लोगों ने उनकी जो स्टडीज़ हैं वहाँ से इंग्लिश जो उन्होंने स्टार्ट की थी, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, ठीक है, उन्होंने मतलब कि नींव रखी इंग्लिश वगैरह यहाँ पे रखी, तो वहाँ से उन्होंने पढ़ाई करके उनके जो विचार हैं, ठीक है, उनके विचारों में मतलब कि एनलाइटमेंट आई, ठीक है, नॉलेज बढ़ी, उनको पता चला कि हमें आज़ाद होना चाहिए, तो जो लोग पढ़े लिखे थे यहाँ से एजुकेशन हासिल की थी, फिर वो खुद वही सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए कि हमें अपने देश को आज़ाद करवाना चाहिए, ठीक है, तो उसी तरीके से ये बताया है कि जो कैपिटलिज्म है उसने एक बेस रखा, बेस क्रिएट किया फ्री इंडिया के लिए, ठीक है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड बाई इट्स विक्टिम्स इधर द
वर्किंग क्लास हु वुड यूनाइट टू कलेक्टिवली ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन टू ओवरथ्रो इट एंड एस्टेब्लिश अ फ्री एंड इक्वल सोशलिस्ट सोसाइटी। तो उसने क्या कहा है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो चेंज हो जाएगी, किनका राज हो जाएगा, जो कि आजकल कैपिटलिस्ट के विक्टिम्स हैं, उनके शिकार हैं। कौन है आजकल उनके शिकार कैपिटलिस्ट के? वर्किंग क्लास। तो सारा का सारा जो सोसाइटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्किंग क्लास में। कब? जब ये वर्किंग क्लास वाले क्या करेंगे, दे वुड यूनाइट, इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्टिवली ब्रिंग अबाउट अ रेवोल्यूशन, इकट्ठे होके रेवोल्यूशन करेंगे और इन कैपिटलिस्ट को फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे, यानी कैपिटलिज्म को ख़त्म कर देंगे एंड एस्टेब्लिश और एक फ्री और इक्वल सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण करेंगे। ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग कैपिटलिज्म, मार्क्स अंडरटूक एन एलोबरेट स्टडी ऑफ इट्स पॉलिटिकल, सोशल एंड स्पेशली इट्स इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है। तो मतलब क्या कहा कि उन्होंने इसको समझने के लिए, कैपिटलिज्म को समझने के लिए मार्क्स ने क्या किया, इसके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को ध्यान से पढ़ा। सो दैट मच इज़ फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू आवर लेसन टुमारो। अभी हम कार्ल मार्क्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सम डेज वी विल टेक टू रीड अबाउट कार्ल मार्क्स। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग देन यू कैन कॉल मी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।